महाराष्ट्र में भारे वरसाद और भूस्खलन थी चार दिवस में कुल 164 लोगों ना मृत्यु 100 हजू सुधी गुम। चोमासानी सीजन दरमियान समग्र महाराष्ट्र में कुल 251 लोगों ना मृत्यु। तो महाराष्ट्र मुख्यप्रधान उद्धव ठाकरे पूरग्रस्त विस्तार की लीधी मुलाकात, आ साथ राहत और बचाव की कामगिरी माटे आप्या आदेश। महाराष्ट्र 6 जिला में लाखों लोग पूर में फसाया, जेमा रायगढ़ में स्थिति अत्यंत खराब। महाराष्ट्र सीएमओ जणाव्या अनुसार आश्रे 2,30,000 लोग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थले खसेड़ाया। पूर में कुल 149 लोग मृत्यु, जारी के 50 लोग घायल, 875 गामों खूब असरग्रस्त। तो कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में पूर पानी धीमे धीमे उतरी रहू है, जो कि रस्ताओ पर हजू पा यथावत। हाईवे की बंने तरफ 7-8 फूट पा भराया। हाल एक तरफ की हाईवे खोल, ड्रोन की मदद की पोलिस स्थिति पर राखी रही है नजर। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम अहेवाल प्रमाण रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और पुणे खाते काटमाड़ में अत्यार सुधी में 112 मृतदेह बाहर काढ़ा आया, जैसे कि 53 लोग गंभीर रीते घायल। महाराष्ट्र कोल्हापुर में रेस्क्यू यथावत। शिरोली में भारी वरसाद ने कारण पूर, एनडीआरएफ सहित तंत्र आयु लोगों की मददे लोगों ने सुरक्षित स्थले खसेड़ाया। तो महाराष्ट्र में भारी वरसाद और पूर थी जनजीवन अस्तव्यस्त, नदियों में पूर आता रस्ताओ और रहनाक विस्तार में भराया पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों करू बोट थी रेस्क्यू। महाराष्ट्र महाड़ में पूर बाद ताराजी में काळजू कंपावी देना दृश्य, जहां नजर जाए त्या गंदगी, कीचड़ना ढग, पानी में पलड़ी गये सामान नजरे पड़ता हो। पूरना प्रवाहे कार ने ऊंधीवाड़ी, बस मोटी ट्रक पर फंगोड़ाई। तो हिमाचल प्रदेश किन्नौर में गईकाले थे भूस्खलन में 9 लोगों मृत्यु, 3 लोग घायल। कांग्रेस धारासभ्य जगत सिंह नेगीए कहू, पहाड़ी पर सतत पत्थर पड़ी रहा है, जेथी रेस्क्यू में मुश्किल आई, घायलों ने हॉस्पिटल खसेड़वा सरकार पासे मांग्यु हेलिकॉप्टर। तो जम्मू कश्मीर में भारे वरसाद की परेशानी, नीचाणवाड़ा विस्तार में भराया पानी, लोगों ने हालाकी, घर वखरी पलड़ी गई। जम्मू त्रिकूटनगर, आंबेडकर नगर विस्तारों में 3-3 फूट भराया पानी। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सहित देश राज्यों में भारे वरसाद, घना राज्यों में पूर की परिस्थिति, जेने पहुंची वड़ा भारत की त्रणी सेना मैदाने, लश्कर विभाग में सेंटर बॉम्ब तैयार। कर्नाटक मुख्यप्रधान येदियुरप्पाए आप राजीनामू, साथ राज्यपाल साथ करी मुलाकात, कहूं कि कर्नाटक में भाजपा सरकार 2 वर्ष पूर्ण थे तरह हम राज्य की कमान को सौंपाश पर सौनी नजर। भाजपा कार्यक्रम में येदियुरप्पा निवेदन, हमेशा अग्नि परीक्षा में थयो छु पसार, तेमना पर हाईकमान प्रेशर नहीं और न तो तेमणे कोई नाम करू सूचन, साथ ज कहूं कि पार्टी ने मजबूत करने करते काम। तो कर्नाटक में येदियुरप्पा राजीनामा बाद नवा मुख्यप्रधान माटे कवायत शुरू। सूत्रों जणाव्या प्रमाण नवा मुख्यप्रधान रेस में प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष, लक्ष्मण सवदी, डेप्यूटी सीएम मुरगेश निराणी सहित नेताओं सामेल। पेगासस मुद्दे फरी एक बार लोकसभा में भारे होबाड़ो, विपक्षे पेगासस पर चर्चा की मांग साथ भारे होबाड़ो करता लोकसभा की कामगिरी खोरवाया। आवतीकाल सुधी में लोकसभा स्थगित, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाए कहू, सरकार जवाब आप मांगे परंतु विपक्ष सतत सूत्रोच्चार कर रही है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन, पेगासस मुद्दे राजभवन बहार कांग्रेस कार्यकर्ताए कर सूत्रोच्चार, पुलिस प्रदर्शनकारियों की करी अटकायत। तो पेगासस जासूसी केस में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बेनर्जी तपास समिति की रचना करी अने करी जाहरात, कलकत्ता हाईकोर्ट 2 जज की अध्यक्षता में तपास समिति योजी। बंगाल मुख्यप्रधान ममता बेनर्जी 5 दिवस की दिल्ली मुलाकाते, अहीं तेओ सोनिया गांधी सहित विपक्ष नेताओं साथ करशे मुलाकात, पीएम मोदी साथ पण करशे मुलाकात। बंगाल मुख्यप्रधान ममता बेनर्जी दिल्ली में टी पार्टी योजे शक्यता, रिपोर्ट्स प्रमाण 28 जुलाई बपोरे विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में आपसे टी पार्टी, 2024 की चूंटी पहला विपक्ष ने मजबूत करने की तैयारी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नवा कृषि कायदा अनोखी रीते करो विरोध, राहुल गांधी ट्रेक्टर लेने पहुंचा संसद, आ दरमियान तेमना ट्रेक्टर पर कृषि कायदा विरोध में पोस्टर पर लगावेलू जोवा मळ्यु। दिल्ली में कांग्रेस की ट्रेक्टर रैली पर पुलिस की कार्यवाही, कलम 144 उल्लंघन कर ट्रेक्टर रैली करता कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास बीवी और केटलाक पार्टी कार्यकर्ताओं की करी अटकायत।
યુપીમાં આગામી વર્ષે યોજાનારી ચૂંટણીને લઈને ભાજપની તૈયારીઓ. મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે મારી સરકાર નામનું પોર્ટલ કર્યું લોન્ચ. આ પોર્ટલથી તેઓ લોકોના સૂચન જાણી શકશે. સરકારી યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મળશે મદદ. વેઇટલિફ્ટિંગમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર મીરા ચાનુ પહોંચી દિલ્હી. લોકોએ ભારત માતા કી જયના લગાવ્યા નારા. ચાનુને હરાવનાર ચીની એથ્લીટ પર ડોપિંગની શંકા. સેમ્પલ તપાસ માટે મોકલાયા. ચાનુને ગોલ્ડ મેડલ મળવાની શક્યતા. તો મણિપુરના મુખ્યપ્રધાને કરી જાહેરાત. મીરાબાઈ ચાનુની એએસપી તરીકે નિમણૂક કરી. ઓલિમ્પિકમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે મીરાબાઈ ચાનુએ. રાજ કુંદ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટીના બેંક એકાઉન્ટની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરશે તપાસ. શિલ્પા અને રાજ કુંદ્રાનું પીએનબીમાં છે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ. જોકે આ એકાઉન્ટમાં 2016 કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી થયું. ફેમા હેઠળ નોંધાઈ શકે છે ગુનો. કારગિલ વિજય દિવસ પર કેન્દ્રીય રક્ષાપ્રધાને નેશનલ વોર મેમોરિયલ પર શહીદોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ. ત્રણેય સેના પ્રમુખે પણ આપી શ્રદ્ધાંજલિ. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું, દેશની રક્ષા કરતા શહીદ થયેલા બહાદારો આપણને હંમેશા પ્રેરણા આપે છે. તો કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે ઉત્તરપ્રદેશના લખનૌમાં શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહ યોજાયો. મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ શહીદ સ્મૃતિ વાટિકા પહોંચ્યા અને શહીદ જવાનોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ. કહ્યું, ભારતના વીર જવાનોની સતર્કતા, સજાગતા અને સમર્પણ આપણે એના કારણે સુરક્ષિત છીએ.